वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दो हिडन जेम्स के बारे में। जी हाँ, दो हिडन जेम्स, और बहुत सारे लोगों के पास इसकी होल्डिंग है भी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास होल्डिंग्स नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं इन दो कॉइन्स के नाम, इन दो कॉइन्स के बारे में। और दोनों कॉइन्स की अगर बात करें तो एक है स्टेलर और एक है एच बार, और दोनों ही टॉप 50 के अंदर आते हैं, ठीक है। और टॉप 50 में ये दोनों कॉइन आते हैं, और काफ़ी अच्छा प्राइस ड्रॉप हो चुका है इस क्रैश के अंदर। और सबसे बड़ी बात, एक सबसे स्टेलर की अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो स्टेलर की अगर बात करें, मार्केट की सबसे पुरानी क्रिप्टोकरेंसी है, काफ़ी टाइम से ये मार्केट के अंदर है। 7 to 8 years जो है यहाँ पे स्टेलर को अगर आप देखेंगे यहाँ पे हो चुके हैं। अगर इतने पुराने टाइम से यहाँ पे स्टेलर का नाम है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और 24 नंबर पे इसकी रैंक आ चुकी है इस क्रैश के अंदर भी। अब 24 नंबर की यही सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी स्टेलर, जिसको आप XLM भी बोल सकते हो। प्राइस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, 9 रुपये पे आ चुकी है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 58 रुपीज़ का इसका ऑल टाइम हाई है, तकरीबन 60 रुपये का। ये ऐसा कॉइन है जो आने वाले कुछ टाइम में, 1 साल में 2 साल में, ये $1 से भी ऊपर जाते हुए आपको कॉइन्स दिख सकते हैं। क्योंकि स्टेलर एक ऐसी अच्छा फंडामेंटल कॉइन है, अगर आप देखेंगे काफ़ी टाइम से है मार्केट के अंदर, और 9 रुपये पे ये कॉइन चल रहा है। अगर हम इसकी टोटल सप्लाई की बात करें, 50 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, और 25 बिलियन जो है अभी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो सप्लाई भी काफ़ी लिमिटेड है अगर आप देखेंगे, और आने वाले टाइम में ये ही कॉइन्स आपको काफ़ी अच्छी रेंज में जाते हुए देख सकते हैं। $5 to $10 स्टेलर यहाँ पे अचीव कर सकता है अगले 2-3 साल में, जब भी बुल मार्केट आएगा। ये ऐसे कॉइन्स हैं जो जितने कम प्राइस पे आपको मिल रहे हैं, और टॉप 50, टॉप 100 में जो कॉइन्स हैं, ये आपको काफ़ी अच्छे लेवल्स जनरेट करते हुए दिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे रैंक्स में फेर बदल भी होंगे आने वाले टाइम के अंदर, जो पीछे हैं वो आगे आ सकते हैं। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं कि स्टेलर एक ऐसा फंडामेंटल अच्छा कॉइन है, ठीक है। सबसे पहले आपकी रिसर्च जरूरी है। 9 रुपये पे तो ये कॉइन आ चुका है, अभी और भी नीचे आ सकता है, लेकिन अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो आपकी इसकी आपकी सबसे पहले रिसर्च जरूरी है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं बहुत दूर दूर, मतलब 2000 से ऊपर, 3000 से ऊपर, ठीक है। मीम कॉइन्स आपके पास हैं जिनकी वैल्यू 1 रुपये से कम है, वो कॉइन्स आपके पास हैं, लेकिन टॉप 100 पे किसी का फोकस नहीं होता। टॉप 10 में, टॉप 20 में इतना ही फोकस होता है सभी का, लेकिन टॉप 50 में भी किसी का फोकस नहीं होता है, ठीक है। टॉप 100 में अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो अपना बनाना चाहते हो तो टॉप 100 पे भी आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जो टॉप 100 में क्रिप्टो करेंसी है। तो स्टेलर एक ऐसा कॉइन है, 24 नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, $3 बिलियन का इसका मार्केट कैप है, बहुत अच्छा मार्केट कैप है, और काफ़ी अच्छा पैसा स्टेलर के अंदर लगा हुआ है। तो ये पहला कॉइन है, इसको भी आप अपने बैग में ऐड कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में ये करेंसीज आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती हैं, और लॉन्ग टर्म में ही ये आपको काफ़ी अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। तो पहली स्टेलर है, दूसरी है एच बार। एच बार को भी अगर आप देखें, मार्केट में काफ़ी टाइम हो चुका है, और एच बार अगर आप देखेंगे यहाँ पे, एच बार का जो प्राइस चल रहा है वो 5 रुपये पे चल रहा है, ओनली 5 रुपीज, और 5 रुपये का कॉइन हो चुका है। 41 के करीब इसने ऑल टाइम हाई लगाया पिछले साल सितंबर 2021 में। सितंबर 2021 में इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया 41 रुपीज का, उसके बाद ये नीचे चल रहा है। जब कार्डानो ने भी सितंबर में ऑल टाइम हाई अपना बनाया था, उसके बाद कार्डानो भी डाउन चल रहा है। तो ये 5 रुपये का कॉइन भी अच्छे डॉलर्स की वैल्यू जनरेट कर सकता है आने वाले टाइम में। 38 पे इसकी रैंक है, टॉप 40 में आता है ये, 50 में भी नहीं आता। तो 38 पे इसकी रैंक है, और $1.5 बिलियन का मार्केट कैप है। 50 बिलियन सप्लाई इसकी टोटल है, और 21 बिलियन मार्केट के अंदर है, और इतनी टोटल अवेलेबल सप्लाई है मार्केट के अंदर। तो ये दो कॉइन्स आप अपने बैग में ऐड कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको बना के दे सकते हैं, लेकिन आपकी रिसर्च बेहद ज़रूरी है सबसे पहले। तो आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।